हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं हैंडबॉल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट वन लाइनर के माध्यम से लेके आई हूँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसी चीज़ों को बताऊँगी। एंड दोस्तों, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी वीडियोज, चैप्टर वाइज MCQs एंड प्रीवियस ईयर MCQs सभी डिटेल में बताए गए हैं। एंड मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, चाहे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPTGT, LT, मध्य प्रदेश TET एंड अदर स्टेट के कोई भी TGT PGT, तो सभी के लिए मेरे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, हैंडबॉल को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हैंडबॉल को पहले ओलंपिक हैंडबॉल, कोर्ट हैंडबॉल, यूरोपियन हैंडबॉल आदि नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना 1946 में हुआ, जिसका हेडक्वार्टर बसेल स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है, हैंडबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में हैंडबॉल को शामिल किया गया था। एंड नेक्स्ट है, हैंडबॉल को एशियाड में कब शामिल किया गया था, यानी एशियाई खेलों में? तो हैंडबॉल को एशियाई खेलों में 1982 नई दिल्ली में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, हैंडबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो हैंडबॉल के मैदान की लंबाई 40 मीटर। एंड हैंडबॉल के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? तो 20 मीटर, यानी 40 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई। नेक्स्ट है, हैंडबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो हैंडबॉल में गोल पोस्ट जो होता है वो 3 मीटर होता है। नेक्स्ट है, हैंडबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो गोल पोस्ट की ऊंचाई 2 मीटर होती है। नेक्स्ट है, हैंडबॉल में पेनल्टी लाइन से गोल पोस्ट की दूरी कितनी होती है? तो 7 मीटर होता है। और हॉकी में कितना होता है पेनल्टी लाइन से गोल पोस्ट की दूरी, गोल पोस्ट से पेनल्टी स्पॉट की दूरी? हॉकी में 7 गज होता है, यहाँ पे 7 मीटर है, ठीक है, दोनों में डिफरेंट है। नेक्स्ट है, पुरुषों के लिए हैंडबॉल के बॉल का भार कितना होता है? तो पुरुषों के लिए हैंडबॉल के बॉल का भार 425 से 475 ग्राम होता है। हैंडबॉल का बहुत भार पूछता है, तो पुरुषों के लिए 425 से 475 है। एंड महिलाओं के लिए बॉल की, हैंडबॉल के बॉल का भार कितना होता है? 325 से 400, ठीक है, 425 से 475 पुरुषों के लिए, 325 से 400 ग्राम महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है, पुरुषों के लिए हैंडबॉल की बॉल की परिधि कितनी होती है? तो 58 से 60 सेंटीमीटर होती है पुरुषों के लिए परिधि। एंड महिलाओं के लिए हैंडबॉल की बॉल की परिधि कितनी होती है? तो महिलाओं के लिए 54 से 56 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, हैंडबॉल में कितने खिलाड़ियों को स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है? तो 2 खिलाड़ियों को। नेक्स्ट है, हैंडबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल 14 खिलाड़ी होते हैं, 7 मैदान में खेलते हैं, 7 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं, स्थानापन्न पूछेगा तो 2 होते हैं, 7 मैदान कुल खिलाड़ी है 14, 7 मैदान में खेलेंगे और 7 अतिरिक्त खिलाड़ी होंगे। नेक्स्ट है, हैंडबॉल में कुल कितने निर्णायक होते हैं? तो इसमें कुल 4 निर्णायक होते हैं, जिसमें से 2 रेफरी होता है, 1 स्कोरर होता है, 1 टाइम कीपर होता है। नेक्स्ट है, IHF का पूरा नाम क्या है? IHF इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1946 में हुआ था और हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है बसेल स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, हैंडबॉल के मैच में कुल कितने खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं? तो हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं। हैंडबॉल, कबड्डी, वाटर पोलो, इन तीनों में 7-7 खिलाड़ी
मैदान में खेलते हैं। नेक्स्ट है हैंडबॉल के मैच की अवधि कितने समय की होती है, तो यह 60 मिनट की होती है, 30-30 मिनट की दो पारी और बीच में 10 मिनट का मध्यांतर होता है। नेक्स्ट है हैंडबॉल मैच की अवधि के बीच में मध्यांतर कितने मिनट का रखा जाता है, तो 10 मिनट का रखा जाता है। नेक्स्ट है हैंडबॉल का मैच टाई हो जाए तो एक्स्ट्रा टाइम की स्थिति क्या रहती है, तो एक्स्ट्रा टाइम की स्थिति 5-5 मिनट दिया जाता है जब टाई हो जाए तो। नेक्स्ट है टाई होने के पश्चात एक्स्ट्रा टाइम में 5-5 मिनट की अवधि के मध्य कितना अंतराल रखा जाता है, तो उसके बीच कोई अंतराल नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है 5-5 मिनट के प्रथम एक्स्ट्रा टाइम देने के पश्चात भी अगर टाई रहे तो निर्णय क्या होगा, तो निर्णय क्या होगा दोस्तों, दोबारा से 5-5 मिनट का खेल होगा। नेक्स्ट है एक टीम एक हाफ में कितने टाइम आउट ले सकती है, तो हैंडबॉल में एक टीम एक हाफ में एक टाइम आउट ले सकती है, एक मिनट का। कितने टाइम आउट ले सकती है, तो एक मिनट का टाइम आउट ले सकती है एक हाफ में। नेक्स्ट है IHF का मुख्यालय कहाँ है, यानी इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल फेडरेशन संघ की स्थापना 1946 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जो है बसेल स्विट्जरलैंड है। तो दोस्तों ये था आपका हैंडबॉल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इससे ही इसके अंदर से ही कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे बाहर नहीं पूछ सकता। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शॉर्ट में था। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बोलिए एंड जुड़े रहिए मेरे चैनल पे बेहतरीन तैयारी के लिए डेली बेसिस पे। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।